हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे आपको अच्छा आपको पता ही है कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जो हमारे नवंबर दिसंबर में जो पेपर होंगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पता है आ रहे हैं, उसमें दो तरह के क्वेश्चंस यानी कि आपको MCQs दिखाई दे सकते हैं या केस स्टडी यानी कि जो पैसेज हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं या बच्चों एसर्शन और रीज़न। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एसर्शंस और रीजंस को, ताकि इनकी खूब प्रैक्टिस करके हम एग्ज़ाम में जाएँ और अच्छे नंबर लाएँ। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एसर्शन रीजन। तो बच्चों इसमें हमारे एसर्शन रीजन में चार ऑप्शन होते हैं, यानी कि ऑप्शन अगर आप देखोगे तो अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी दे तो ऑप्शन आपका ए होता है। एसर्शन और रीजन सही तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो आपको बी ऑप्शन लगाना है। और अगर एसर्शन और रीजन एसर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है तो बच्चों आपका ऑप्शन सी होगा। और एसर्शन तो सही है लेकिन रीज़न एसर्शन गलत है और रीज़न सही है तो आपका ऑप्शन डी होगा। तो ये तो आपको ऑप्शन में गिवन होंगे। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। पहले हम सीखते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक क्या है। तो बच्चों एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो भी आपके सॉलिड्स डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। जैसे सपोज करो कि हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए, फिर दूसरी डायरेक्शन में गए, अलग अलग डायरेक्शन में गए। जैसे प्रॉपर्टी ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग अलग मिल रहा है तो बच्चों वो आपकी एनाइसोट्रॉपिक है। ये प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हो सकती है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बच्चों वो आपके एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। बात बिल्कुल सही है। रीजन पर देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज अमोर्फस सॉलिड। तो बच्चों ये बात गलत है। आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में होते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका बार बार रिपीटेशन होता है, उस यूनिट को हम बोलते थे यूनिट सेल, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी जिसको हम बार बार क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास है कि एसर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो बच्चों ऑप्शन हो जाता है सी। तो बात क्लियर होगी आपको। चलो भाई सेकंड देखते हैं, कह रहा है कि नेटवर्क सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड जियंट मॉलिक्यूल। जो भी आपके नेटवर्क मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जियंट मॉलिक्यूल मतलब एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसमें एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो नेटवर्क सॉलिड्स हैं वो हमारे जियंट मॉलिक्यूल्स हैं। एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट नेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें हेक्सागन लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं जिसकी वजह से बच्चों वो सॉफ्ट नेचर का होता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है जिसकी वजह से बच्चों वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये बात भी सही है, यानी कि दोनों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इनकी काफ़ी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इसमें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखते हैं थर्ड, सर्टेन कंपाउंड्स हैव बोथ स्कोटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। बिल्कुल सही बच्चों, जो आपका AgBr है, जो AgBr होता है वो आपके स्कोटी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट्स हो करता है। एंड कह रहा है कि रीज़न देखो क्या कहता है कि बोथ स्कोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ स्कोटकी डिफेक्ट में ही डेंसिटी चेंज होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट में चेंज नहीं होती, ठीक है ना। इसमें चेंज हो रही है और इसमें चेंज नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया आपका सी, सही है। अब देखो बच्चों फोर्थ पर आते हैं, कह रहा टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। बिल्कुल सही है, जो हमारे पास यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल में बच्चों कॉर्नर्स पर एटम रखे होते हैं सिंपल में, यानी कि अगर वो कॉर्नर्स पर रखे होंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो कितना होगा। तो देखो भाई एक जो होता है वो 8 में शेयर होता है, तो इसके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल हो गई 1। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। अब क्या कहता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम इट्स कॉर्नर, सही है। ई जो बीच शेयर बिटवीन 4, ये गलत है, 4 नहीं होते 8 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया सी, यानी कि एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं फिफ्थ पर, क्या कह रहा है, इन्हें एन ए क्रिस्टल एन ए प्लस आयन टचिंग 6 सी एल माइनस। बिल्कुल सही है, और सी एल माइनस आयन डू नॉट टच ईच अदर, यानी कि जो एन ए सी एल है बच्चों वो आपका कैसा होता है,
तो जो एन ए प्लस है वो आपका सी सी पी अरेंजमेंट में होता है, यानी कि अगर आप देखोगे तो रेडियस रेशियो एन ए प्लस की और सी एल माइनस की जो होती है वो 0.524 के पास आती है, यानी कि ये जो है 0.414 और 0.732 के बीच में है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है इस रेंज वाले की 6 होती है। यानी कि देखो बच्चों, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो कह रहा है ग्रेटर देन 0.414 ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एक्सप्लेन भी करता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सही है इतनी बात, तो आपको पांचों असर्शन रीजंस क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बस बच्चों, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है कि एनिसोट्रॉपी क्या है, कि कौन से डिफेक्ट में क्या चेंज होता है, क्या डेंसिटी बढ़ती है घटती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग आप कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये पाँचों असर्शन रीजन क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।